ओम नमः शिवाय। सभी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी समस्याओं का समाधान, जो भी आपका दुश्मन या आपके परिवार का कोई सदस्य आपको या आपके पूरे परिवार को परेशान कर रहा है, या आपका बिना बात में कोई दुश्मन बना हुआ है जो आपसे या आपके परिवार से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, या आपके कारोबार में रुकावट पैदा कर रहा है, जिस भी कार्य को आप कर रहे हैं उस कार्य को वो पूर्ण नहीं होने देते, जो भी आपका दुश्मन होगा उस दुश्मन को आप बहुत ही आसानी से इन नवरात्रों में अपने दुश्मन से, चाहे आपका बड़े से बड़ा छोटे से छोटा दुश्मन क्यों ना हो, चाहे आपके घर में दुश्मन क्यों ना हो, आप इन नवरात्रों में आप अपने उस दुश्मन का बिल्कुल ही जड़ से खात्मा कर सकते हैं, उनको अपने परिवार से खुद से बहुत ही दूर कर सकते हैं। ये विधि करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसमें आपको किसी भी प्रकार के मंत्र तंत्र की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल आपको छोटी सी वस्तु का प्रयोग करना है, और उसको प्रयोग करने से, एक बार प्रयोग करने से ही आप अपने उस दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं जो आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा हो, और आपके पूरे परिवार पर और आप पर माता रानी की कृपा बनी रहेगी, जो पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों का प्रयोग कर रहे हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप आल को भी जरूर सेलेक्ट करें। जो भी आपकी समस्या हो उस समस्या को आप माता रानी से इस विधि को करते हुए बोलें, और आपने इस विधि में आपने करना क्या है, आपको इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको एक हल्दी की माला चाहिए। ये हल्दी की माला आपको जहाँ से पूजा सामग्री मिलती है वहाँ से आप ये हल्दी की माला लेकर आएं, और इस हल्दी की माला को आप एक दिन पहले, यदि आप नवरात्रों में पहले नवरात्रे, दूसरे या तीसरे या छठे नवरात्रे से पहले पहले आप इस वशीकरण विधि को करें। इस विधि को करने के लिए आपने करना क्या है, आपने जो हल्दी की माला ली है उस हल्दी की माला को आपने घी के अंदर डुबा कर आपने माता रानी के चरणों में चढ़ाना है, और आप माता रानी के चरणों में चढ़ाकर अपनी जो भी आपकी प्रार्थना है, जिस भी मनोकामना को आप पूर्ण करना चाहते हैं उस मनोकामना को बोलें। और यदि आप इससे भी जल्दी चाहते हैं कि आपका जो दुश्मन है वो आपसे बहुत ही जल्द दूर हो जाए, तो आपने शहद में हल्दी की माला को डुबा कर आप माता रानी के चरणों में आप चढ़ाएं और अपनी प्रार्थना को बोलें। आप देखेंगे जिस दिन आप इस विधि को करेंगे उससे अगले ही दिन से आपको इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। आपका जो भी दुश्मन था वो दुश्मन आपसे बहुत ही दूर हो जाएगा। चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना समस्या हो, उस समस्या को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द आप ठीक कर सकते हैं, उस समस्या को दूर कर सकते हैं। आपने केवल एक हल्दी की माला के प्रयोग से अपने दुश्मन को या अपनी उस समस्या को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सभी साधक साध्वी इस विधि को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके एक शेयर करने से बहुत से साधक साथियों का भला हो सकता है। यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें, या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय।